कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका दिन? आपको मैं बता दूं, पितृ पक्ष स्पेशल में एक मेरी स्टोरी थी जिसका टाइटल था प्लीज फॉरगिव मी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को माफ करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप जाके लोगों को बताएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आप को गलत महसूस ही नहीं करते हैं। और ये एक तरीके की ब्लेम गेम्स ह्यूमंस खेलते हैं जिसमें कोई अपनी गलती को मान रहे हैं। आप माफ कर रहे क्योंकि आपने कहानी सुनी अगला, तो इसीलिए माफ करने का मतलब है अपने ख्यालों से, अपने ख्यालों के पिंजरे से उस पर्टिकुलर नाम का जो इंसान है उसको एक पक्षी समझना और उड़ा देना कि अब आप उसको और फीड नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी नहीं है कि अब आप उसे और फीड करें। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। खैर, आज है शुक्रवार और अब किस चीज़ का है इंतजार, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी एक भेड़िए की है। एक भेड़िया जो गांव में आतंक मचा के रखा था उसने, और एक ऐसा घर था, बाई चांस ऐसा हो गया कि उसने उस पर्टिकुलर बच्चे के पहले माँ को खाया खेतों में काम करते करते, फिर रात को उसका पापा आ रहा था कहीं से तो उसको भी खा लिया। तो बच्चे के अंदर बहुत रिजेंटमेंट हो गई और बहुत गुस्सा भर गया कि यार ये भेड़िए को तो मैं सीधा करूँगा, आपकी बार आएगा। तो भेड़िए जैसे ही लोगों को भनक होती थी कि भेड़िया आ रहा है, सब अपने अपने घर में जाके छुप जाते थे, बंद करते थे। तो जब इस बार पता चला कि भेड़िया आ रहा है, सब अपने घर में छुप गए। पर ये महाशय जो थे ये पहुंच गए अपनी घर की छत पे और वहां से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे गांव में आए? तूने मेरे पिता को खाया, तूने मेरी माँ को खाया, तुझे क्या लगता है मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? मैं भी तुझे मार दूंगा। वो भेड़िया उसकी तरफ देखता रहता है, वो कर्ज करता रहता है, वो बोलता रहता है कि भाई मैं तेरा खात्मा कर दूंगा, मैं तेरा मीट बना के सारे गांव वालों को खिला दूंगा। सुनता रहता है भेड़िया। आखिर भेड़िया कहता है, बच्चू दूर से बहादुर बनना बहुत आसान है, हिम्मत है तो सामने खड़ा होके बोल। तो ये है आज की कहानी कि दूर से बहुत आसान होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ज्यादा ये गीदड़ भक्कियां जो होती है वो देनी नहीं चाहिए। इस बच्चे ने भी यही काम किया, पर उसने उल्टा भेड़िए से जो बात सुनी उससे उसको एहसास हुआ कि उसकी गलती है और उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा है कि वो भेड़िए के सामने आके खड़ा हो जाए। तो कहते हैं ना, दूसरे को डराना बंद करो और अपना काम करो, अपना सैटरडे संडे एंजॉय करो। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार।